डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हर प्रवृत्ति के लोग समान प्रवृत्ति के लोगों को आकर्षित करते हैं। राहुल गांधी अमेरिका में भारत के विषय में विवादित बयान देने के बाद जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार में पहुंचे तो सीधे उसी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे जिस प्रत्याशी ने कहा था कि जब वे सरकार में आएंगे तब वे सबसे पहले अपना और अपने परिवार का घर भरेंगे। जिस प्रकार पिछली सरकार में कांग्रेस ने प्रथम अपने परिवार के दामाद का घर भरा था, उसी प्रकार कांग्रेस के प्रत्याशियों को अब लग रहा है कि इस बार सरकार बनने पर उन्हें अपना घर भरने का अवसर मिलेगा। कांग्रेस के प्रत्याशी शमशेर गोगी उसी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस ने पिछले सरकार में किया था। कांग्रेस को सपनों में सत्ता दिखने लगी है और इससे सत्ता के मिलने से पहले ही भ्रष्टाचार की बातें आंखों में चमक बनकर दिखने लगी है। जो जैसा आपने अभी इस वीडियो में देखा, कांग्रेस आजकल कहती है कि मेरे पास 7 गारंटी है, तो मैं भी आपको बताना चाहता हूं यह सच है कि कांग्रेस के पास 7 गारंटी है, पर वो गारंटी 7 कौन सी? पहली गारंटी, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलना बंद होने की गारंटी, जिसका आप वीडियो देख चुके हैं। अब पर्ची से नौकरी मिलेगी इसकी गारंटी, योग्यता पर नौकरी नहीं मिलेगी। 10 साल से हमारी यहां की सरकार ने खट्टर जी और सैनी जी के नेतृत्व में पारदर्शी प्रक्रिया से मेरिट के आधार पे बगैर शोर सिफारिश के जो नौकरी मिलती थी उसके खत्म होने की गारंटी। दूसरा, सभी कांग्रेसी नेताओं का अपना अपना घर भरने की गारंटी। अब सिर्फ प्रथम परिवार का ही दामाद का घर नहीं भरेगा, विधायक के प्रत्याशी बोल रहे हैं कि सबका घर भरने की गारंटी। तीसरी गारंटी, मिर्चीपुर गोहाना जैसे कांड, दुखद दर्दनाक और दुर्दांत कांड जो कांग्रेस के शासनकाल में हुए, उनकी दोबारा होने की गारंटी। तीसरी, उनके विधायक के प्रत्याशी ममन खान ने कहा है कि नूह का बदला लेंगे, अर्थात सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने और तथा कथित बदले की गारंटी। पांचवी, कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की गारंटी, जो आप बगल के राज्य पंजाब में देख चुके हैं। वहां जब से सरकार नई आई है तो जिस प्रकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, वैसे ही कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की गारंटी। छठी गारंटी, जो जो वादा किया है वो वादा नहीं पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे। तो सिर्फ 2 राज्यों का उदाहरण दे रहा हूं, आप अपने बगल में देखिए, हिमाचल की तरह खजाना खाली होने की गारंटी। और एक राज्य कांग्रेस का सबसे दूर का देखिए, जहां उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां के हैं, कर्नाटक। कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की और उसके बाद सरकार कांग्रेस की है, असंवेदनशील तरीके से यह बयान दे रही है कि नहीं नहीं वो तो व्यक्तिगत कारणों से 1200 किसानों ने आत्महत्या की, अर्थात किसानों के बुरे दिन आने की गारंटी। तो मैं पुनः कह दे रहा हूं, ये 7 गारंटियां कांग्रेस की हैं। मेरिट पे नौकरी नहीं, पर्ची से नौकरी मिलने की गारंटी, हर कांग्रेसी नेता का अपना घर भरने की गारंटी, मिर्चीपुर गोहाना जैसे कांड दोबारा होने की गारंटी, नूह का बदला कहने वाले अर्थात कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की गारंटी, खजाना खाली होने की गारंटी, किसानों के बुरे दिन आने की गारंटी, और एक सबसे बड़ी गारंटी जो कांग्रेस जहां सत्ता में आती होती, क्या? सेना के का अपमान और आतंकियों के सम्मान की गारंटी। रोहतक से अर्थ प्रकाश के लिए सुखराम पाल की रिपोर्ट। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।